ओके माय डियर स्टूडेंट तो कैसे हैं आप सब लोग हाँ चलिए आ जाइए बेटा अपन लोग जो है नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन करते हैं जिसमें हम अपन लोग पढ़ेंगे प्लांट पार्ट एंड एन एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड जो प्लांट का पार्ट होते हैं और एनिमल हैं एनिमल प्रोडक्ट हैं जिसको अपन लोग एज अ फूड रिक्वायर्ड करते हैं वो कैसे हैं प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड जो प्लांट है वह हमारे भोजन का एक सोर्स है एक एक सोर्स है और पार्ट है उसका एंड विच पार्ट ऑफ अ प्लांट वी इट मैनी लीव वेजिटेबल अपन लोग बहुत सारे अलग अलग लीव वेजिटेबल खाते हैं वी इट फ्रूट ऑफ सम प्लांट और साथ ही अपन लोग जो है कुछ प्लांटों के फ्रूट भी खाते हैं सम टाइम रूट्स सम टाइम स्टेम इवन सम टाइम फ्लावर कुछ टाइम जो है अपन लोग रूट्स भी खाते हैं कुछ टाइम स्टेम भी लेते हैं और यहाँ तक कि अपन लोग फ्लावर भी खाते हैंव यू एवर एटेन पम्पकीन क्या आपने कभी ये पम्पकीन खाया है पहली वॉन्ट टू तो नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्राम सोर्स अदर द प्लान्ट एनिमल नाउ देखिए सचेज इन इन फ्रेंट ऑफ योर गिविंग द वन काइंड ऑफ द पिक्चर ऑफ ट्रीज वन काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ द प्लान वे आर विच वी आर गिव द डिफरेंट ईटेबल पार्ट ऑफ द प्लान्ट सचेस फ्लावर को किसका खाते हैं अपन लोग फ्रूट्स किसके लिए जाते हैं स्टेम का एज अ फूड कैसे यूज करते हैं अपन लोग लीव एंड बर्ड्स एंड मैनी थिंग्स आर देयर ओके सम प्लांट हैव टू और मोर एटेबल पार्ट कुछ प्लांट होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक एटेबल पार्ट हो सकते हैं जिसको इंसान खाता है या खाने योग्य चीज़ें हों सीड्स ऑफ द मस्टर्ड प्लान्टिव अस ऑयल एंड द लीवस आर यूज एज अ वेजिटेबल यदि मैं बात करूं उसमें से एक एग्जांपल की तो मस्टर्ड प्लांट की मस्टर्ड में की जो सीड होती है उसे अपन लोग एज अ ऑयल यूज़ करते हैं और साथ ही जो इसके लीव होते हैं उसको एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं बेटा अपन लोग कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लान्ट आप कभी सोच चेह? क्या आप सोच सकते हैं कि अलग अलग पार्ट बनाना प्लांट के हों देट आर यूज एज अ फूड जिसको अपन लोग अपन लोग एज अ फूड यूज कर सक कर सकते हो थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऐसे कई और एग्जाम्पल आप सोचिए वेयर टू और मोर पार्ट आर सिंगल प्ला प्लांट आर यूज एज अ फूड मतलब एक ही प्लांट के अलग अलग पार्ट को अपन लोग एज अ फूड मटीरियल लेते हैं ऐसे प्लांटों के बारे में आप और सोचिए एग्जाम्पल लिखिए सच आर गिवेन वन काइंड ऑफ द टेबल आर हेयर अ प्लाट पार्ट एज अ फूड तो यहाँ देखिए ब्रिंजल करी एक फूड आइटम है ब्रिंजल करी और इसमें इंग्रेडिएंट क्या है ब्रिंजल हमें ज़रूरत पड़ती है चिली एज अ स्पाइस ज़रूरत पड़ती है ऑयल फ्रॉम द ग्राउंड ना, ग्राउंड नट मस्टर्ड सोयाबीन एंड इधर प्लांट से अपन लोगों को एज अ जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है लेकिन अपन लोगों को ये भी देखना थर्ड कॉलम पर कि ये आते कहाँ से वॉट इज़ सोर्स ऑफ दिस इंग्रेडिएंट तो ब्रिंजल क्या है फ्रूट है किसी फ्रूट है देन चिलीज़ क्या है फ्रूट है देन ऑयल किसी चीज़ से हमें निकालना हो तो हम आपको पता है कि दो ही एग्जाम्पल ज़्यादातर अपन लोग लेते हैं सोयाबीन और दूसरा ग्राउंड स्नश या मस्टर्ड ऑयल तो इनमें से ही ये सीड है और इनसे ही फिर सोयाबीन ऑयल जो है निकाला जाता है उसी तरीके से आपको दो और कॉलम दिए गए हैं जिसमें अलग फूड आइटम के बारे में आपको लिखना है और वह किन चीज़ों से मिलकर के वह फूड आइटम बनता है इसको आपको लिखना है और साथ में आपको लिखना है कि इसका सोर्स क्या है इन प्लांट प्रोडक्ट का ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं बेटा या डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अ नॉन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ़ द इफ़ दे आर एटेबल सम प्लांट क्वी पॉइजनस हमें कभी भी जो चीज़ हमें दिखाई देती हैं हर एक प्लांट के लीफ को चाहे उसके किसी भी हिस्सों है हिस्से को ऐसे ही टेस्ट नहीं करना है जिसको हम नहीं जानते क्योंकि आप, आपके जो अगल बगल है या आपके अराउंड जो है बहुत सारे ऐसे प्लांट हो सकते हैं जो जो कि क्या हो बेटा पॉइजनस हो मतलब बसेैले हों हमारे लिए तो हमें सभी प्लांटों को क्या नहीं करनी चाहिए टेस्ट नहीं करनी चाहिए देखते हैं एक्टिविटी नंबर फोर पे आते हैं फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल नंबर वन पॉइंट थ्री जितने भी फूड आइटम जो एवलेवन वन पॉइंट थ्री में लिस्टेड किए गए हैं चूज दोज़ आइटम वोज इंग्रेडिएंट आर द फ्रॉम प्लांट तो उन सारे फूड आइटम्स को इकट्ठा करिए जिनके एग्रियट जो है कहाँ से मिलते हों प्लांट से मिलते हों विच पार्ट ऑफ अ प्लान आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लान पार्ट एस सो इन द टेबल नंबर 1.4. तो क्या करनी है आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है और लिस्ट करनी है उन फूड आइटम का और उनके किस प्लांट किसी भी प्लांट के किस पार्ट से वो हमें लेते हैं या कि लेते हैं अपन लोग तो उसके बारे में आपको इसमें लिखनी है एक्टिविटी नंबर फाइव में डिस्कशन करते हैं टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना आपको कुछ जो है ड्राई सीड लेनी है जो हो सकते हैं मोम हो सकता है या चना हो सकता है कुछ भी हो पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन द कंटेनर फिल्ड विद द वाटर एंड लीव्स दिस असाइड फॉर अ डे आपको क्या बोला गया है कि उन सीडों को जो है एक कंटेनर कंटेनर में डालनी है जो कि पूरी पहले से ही किसे पानी से भरा हुआ है ऐसे कंटेनर uh, पे आपको वो सीड को डाल देनी है नेक्स्ट डे देखिए ड्रेन द वॉटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड लीव दीड इन द वेल्स लीव द सीड इन द वेल्स वेब दैम विदीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट एसाइड द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन दिस सीड यहाँ देखा गया है देखिए कि किस तरीके से आपको चीज़ों को अंकुरित करनी है या जर्मिनेट करनी है कोई सीड को तो उसकी मेथड बताई गई है कि गीला कपड़ा लीजिए और उस धुले हुए जो धुले हुए जो आपके सामने बीज रखी हुई है सीड रखी हुई है उसको उस गीले कपड़े में लपेट के दो दिन तक रख दीजिए कुछ दिनों तक आप देखेंगे कि जो जितने भी हमने सीड रखे थे भीगे कपड़े में वो सब क्या हो गए हैं आप जर्मिनेट हो गए हैं अंकुरित हो गए हैं आ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रो आउट ऑफ द सीड आप देखेंगे कि कुछ जो वाइट काइट के दो स्ट्रक्चर हैं वह सीड से बाहर निकलते नजर आएंगे इफ़ सो द सीड हैव द एक्लोटेड वन पॉइंट फाइव एंड 1.5 पॉइंट 1.6. इफ नॉट वॉस द सीड इन वाटर ड्रेन द वॉटर एंड लीव द एम इंसाइड फॉर द अनदर डे नाउ नेक्स्ट वॉट इज एट चना एंड ग्राम इट द एक्सपाउंटेड आप देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि जो चना और ग्राम है वह एक्सपाउंडेड हो गई हैं मतलब जर्मिनेट हो गई हैं उसमें से अंकुरित आ गए हैं कवर्ड वि वेट क्लॉथ उसको क्या करना है फिर से कवर्ड कर देने हैं वेट क्लॉथ से गीले कपड़े से द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड है अब आप देखेंगे क्या ऐसा हुआ है कि जो सीड हैं वह स्पॉटेड हो चुके हैं आफ्टर वॉशिंग दिस स्पॉटेड सीड जैसे ही आप जो है इनको वॉशिंग कर लेते हैं स्पॉटेड सीड को यू कैन ईट दैम जैसे धुलने के बाद जो फिर इसको आप खा सकते हैं दे कैन आल्सो बी बॉयल एड सम्पाइस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट और आप जो है इसके साथ में कुछ इस्पाइस भी मिला सकते हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही खाने लोग चीज़ें बहुत ही टेस्टी आपके सामने बन कर के तैयार है डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम क्या आप जानते हैं कि जो हनी है वह आता कहाँ से है तो इसके बारे में अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू